नजफगढ़ के मित्तल स्वीट के मालिक पर गुर्गे भेजकर गोलीबारी करने की साजिश रचने वाले मास्टरमाइंड नंदू गैंग के बदमाश को दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जवाबी गोलीबारी में बदमाश के पैर में गोली लगी है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रोहित गहलोत उर्फ के रूप में हुई है। वहीं मित्तल स्वीट पर गोलीबारी करके भागे दोनों गुर्गों को भी झज्जर पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया है। गोलीबारी करने वाले गुर्गों की पहचान हरियाणा झज्जर निवासी अर्जुन व दिल्ली कंझावला निवासी सोनू के रूप में हुई है। मित्तल स्वीट पर गोलीबारी करने का मकसद रंगदारी मांगना व इलाके में बाकी कारोबारियों में दहशत फैलाना था। 31 अक्टूबर 2021 की शाम नजफगढ़ मैन मार्केट में हर दिन की तरह सब कुछ सामान्य चल रहा था। तभी 6 बजे के आसपास दो नकाबपोश बदमाशों ने छावला स्टैंड स्थित मित्तल स्वीट्स के मालिक पर ताबातोड़ गोलीबारी कर दी। हालांकि गोली किसी को लगी नहीं थी, लेकिन इलाके में अफरातफरी मच गई थी। साथ ही यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई थी। घटना के 15 मिनट के बाद मित्तल स्वीट के मालिक अशोक मित्तल ने नजफगढ़ थाना एसएचओ को कॉल करके वारदात के बारे में बताया। तुरंत ही नजफगढ़ थाना एसएचओ अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम ने जांच में पाया कि बदमाशों ने 4 राउंड फायरिंग की थी। मौके पर 2 मिसफायर राउंड और 2 खाली राउंड मिले, जिन्हें जब्त कर लिया गया। पुलिस ने एफआईआर संख्या 571/2021 अंडर सेक्शन 307/34 व 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत थाना नजफगढ़ में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच टीम ने मित्तल स्वीट्स और उसके आसपास लगे सभी सीसीटीवी फुटेजों को खंगालना शुरू कर दिया। टेक्निकल सर्विलांस की मदद से फायरिंग के बाद शूटरों द्वारा लिए गए रास्तों को ट्रैक किया गया। रोड पर लगे ट्रैफिक सीसीटीवी कैमरों की जांच से कंफर्म हो गया कि बदमाश ढांस बॉर्डर से बहादुरगढ़ की ओर भागे हैं। द्वारका पुलिस ने तुरंत इसकी जानकारी झज्जर पुलिस को दी। 1 नवंबर को सीआईए झज्जर की टीम ने द्वारका पुलिस को बताया कि मिठाई की दुकान पर गोली चलाने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान गांव मातन झज्जर हरियाणा निवासी अर्जुन उर्फ मजबूरी और रानीखेड़ा गांव कंझावला निवासी सोनू के रूप में हुई। जांच में पता चला कि दोनों बदमाश गोली चलाने के बाद झज्जर स्थित गुरुकुल आश्रम में छिप गए थे। वहां के एक आचार्य विजयपाल ने सोनू को पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में पुलिस ने आश्रम से भागे उसके साथी अर्जुन को भी गिरफ्तार कर लिया। सूचना मिलते ही दिल्ली से जांच टीम झज्जर एसपी कार्यालय पहुंची। गिरफ्तार दोनों बदमाशों ने पूछताछ में कबूल किया कि मिठाई की दुकान पर गोलीबारी की वारदात को अंजाम उन्हीं लोगों ने दिया था, लेकिन इस वारदात के पीछे असली मास्टरमाइंड रोहित गहलोत उर्फ चीता है, जो नंदू गैंग से जुड़ा हुआ है। वारदात को अंजाम देने के लिए 3 पिस्तौल, 1 स्कूटी और पैसे रोहित गहलोत उर्फ चीता ने ही उपलब्ध करवाए थे। हमारे पास परसों रात को डायल 112 पे कॉल प्राप्त हुई थी कि गुरुकुल है जो जज्जर के अंदर, यहाँ पे 2 संदिग्ध लड़के आए हुए हैं, इनके पास वेपन हो सकते हैं। तो हमारी तुरंत एक्शन, विद इन 3 मिनट्स हमारी गाड़ी ईआरबी की वहां पहुंच गई और एक लड़के को तो मौके पे से ही काबू कर लिया था विद वेपन। तो उसके बाद हमने उसकी पूछताछ पे दूसरा लड़का भी काबू करा। तो ये 2 लड़के जो पकड़े गए हैं, एक तो सोनू है लड़का अपना रानीखेड़ा दिल्ली का, और दूसरा लड़का है अर्जुन उर्फ मोनू उर्फ मजबूरी, ये मातन गांव का है। और जब इनसे हमने पूछताछ करी और इनके पास से 3 वेपन बरामद हुए, एक 9mm पिस्टल बरामद हुआ था, एक 32 बोर का और एक 315 बोर का। तो तीनों वेपन बड़े ऐसे वेपन थे, अच्छे वेपन, अच्छी क्वालिटी के वेपन थे। तो हमें शक हुआ कि किसी ना किसी गैंग से जुड़े हो। जब इंटरोगेट करा तो उन्होंने बताया कि उसी रात को, जिस रात को यहाँ पे आए थे, उन्होंने शाम को दिल्ली के अंदर छावला मोड़ पर मित्तल स्वीट्स पे गोली चलाई थी और काफी हाई प्रोफाइल दिल्ली का मामला बना था। हमने दिल्ली पुलिस को भी तुरंत सूचना दी, दिल्ली पुलिस के भी अधिकारी डीसीपी साहब आए थे, द्वारका के जो डीसीपी हैं वो भी पूछताछ करके गए। तो इन दोनों को पकड़ा है, हमने 3 वेपन इनसे बरामद करे हैं। और हमारी इमदाद से जिसने वेपन सप्लाई करे थे दिल्ली पुलिस वालों ने, रोहित नाम के लड़का नवादा का है, उसको भी राउंड अप कर लिया है। और ये मामला नंदू गैंग से, जो नंदू गैंगस्टर है उसने ये धमकी दिलवाई थी। एक अमित बुलिया है जेल से और एक नंदू है गैंगस्टर, इन्होंने मिलकर फिरौती के लिए वहाँ पे एक पर्ची भी डलवाई थी उसके नाम की। तो वो पर्ची भी बरामद कर ली गई है और वेपन बरामद कर लिए हैं। अभी तो हमारे पास पुलिस रिमांड है, आगे दिल्ली पुलिस को आप आगामी पूछताछ के लिए उनको दिया जाए। जो गैंग से जो बात कर रहे हो आप, ये जेल से ही इस प्रकार की जेल से ही ऑपरेट हुआ। तो हमने सारी डिटेल दिल्ली पुलिस वालों को नोट करा दी है, क्योंकि तिहाड़ जेल में है वो लड़का। तो और ये लड़का जो अर्जुन है, ये पहले भी मर्डर वगैरह में रहा है, संदीप मेंटल के मर्डर के अंदर रहा है, इसके खिलाफ 3-4 मुकदमे हैं।
और ये अभी पैरोल पे छुट्टी पे आया हुआ था, कोरोना की वजह से जो कैदियों को छुट्टी दी गई थी, तो ये भी हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स है जो काफ़ी मुलजिम छुट्टी पे आया, हमारे क्राइम में इन्वॉल्व हो रहे हैं। पर ये पुलिस की सतर्कता से आगे होने वाला हादसा हो सकता है कि उनके जिम्मे और भी काम लगाए गए हो, अभी हम पूछताछ कर रहे हैं तो और हादसे बच गए हैं। पुलिस को जांच में यह भी पता चला कि बदमाश रोहित गहलोत उर्फ का मकसद क्षेत्र में दहशत पैदा करके स्थानीय दुकानदारों से रंगदारी वसूलना था। क्राइम के असली मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए डीसीपी द्वारका शंकर चौधरी द्वारा चलाया गया अभियान वर्चस्व के तहत बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया। डीसीपी द्वारका ने तुरंत ही एएसआई गिरिराज के नेतृत्व में एएसआई हंस कुमार, एएसआई सुरेंद्र, एएसआई बिजेंद्र, एएसआई महेश, एएसआई सत्येंद्र, हेड कांस्टेबल जितेंद्र, दीपक, मनीष व कांस्टेबल कुलवंत की सीडीसी यानी स्वच्छ द्वारका सेल के तहत एक टीम का गठन किया। स्वच्छ द्वारका सेल को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि 1 व 2 नवंबर की दरमियानी रात लगभग 2 या 3 बजे के आसपास मित्तल फायरिंग कांड का मास्टरमाइंड अपने एक सहयोगी को आर्म सप्लाई करने डीडीए पार्क काली बस्ती उत्तम नगर के पास आएगा। पुलिस ने डीडीए पार्क के पास अपना जाल बिछाया। 2 नवंबर की सुबह 2:35 पर डीडीए पार्क सोफुटा रोड से चोरी की मोटरसाइकिल पर रोहित गहलोत उर्फ चीता आता दिखाई दिया। पुलिस टीम को देखकर रोहित गहलोत चौंक गया और गिरफ्तारी से बचने के लिए अचानक वापस मुड़कर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसमें एक गोली बदमाश के पैर पर लगी। पुलिस ने उसे दबोचकर अस्पताल में भर्ती कराया। मित्तल फायरिंग कांड का मास्टरमाइंड 33 वर्षीय मकान नंबर 244 ग्राम नवादा उत्तम नगर निवासी रोहित गहलोत उर्फ रमन उर्फ चीता उत्तम नगर का सक्रिय बीसी है। कोर्ट से एक आपराधिक मामले में 15 नवंबर तक पैरोल पर है। इसके खिलाफ एक दर्जन के आसपास मामले दर्ज हैं। मित्तल स्वीट पर गोलीबारी करने वाला एक अपराधी 24 वर्षीय अर्जुन उर्फ मजबूरी विलेज मतन झज्जर का रहने वाला है। यह भी एक पुलिस स्टेशन द्वारका सेक्टर 23 के आपराधिक मामले में जुलाई 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक पैरोल पर था। इसके खिलाफ पहले से एक आपराधिक मामला दर्ज है। मित्तल स्वीट पर गोलीबारी करने वाला दूसरा अपराधी 25 वर्षीय सोनू रानी खेड़ा कंझावला दिल्ली का रहने वाला है। मित्तल फायरिंग कांड के मास्टरमाइंड रोहित गहलोत उर्फ चीता के पास से एक पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस और एक चोरी की बाइक बरामद हुई है। गैंग के दोनों गुर्गों सोनू और अर्जुन के पास से 2 देसी पिस्तौल, 1 देसी कट्टा, 8 जिंदा कारतूस और एक चोरी की एक्टिवा स्कूटी बरामद हुई है। डीसीपी द्वारका शंकर चौधरी का क्रिमिनलों को क्लियर मैसेज है कि क्रिमिनलों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। क्रिमिनल अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दे कि अपराध करके वो बच जाएंगे। क्राइम को अंजाम देने वाले क्रिमिनल के साथ साथ क्राइम में क्रिमिनल की मदद करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अब जो बचता है वो ये है कि इस केस में हम जो ये गैंग्स अंदर से ऑपरेट कर रहे हैं, इनको हम इस केस में बुलाएंगे बाहर और इनको हम समझाएंगे कि ये बदमाशी जो है इनकी, इनको जेल भेजा गया है सुधार के लिए। ये बदमाशी अगर ये करना चाहेंगे तो कम से कम द्वारका जिले के कप्तान होने के आधार पर मातहत से मैं इनको बता दूं कि मैं इनके दिन बहुत ख़राब कर देने वाला हूं। हमारी द्वारका जिला की पुलिस की जो टीम है वो एक बहुत ही एनर्जेटिक एक स्ट्रेटजाइज टीम है और अगर ये ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे तो इनको जवाबी जो कार्रवाई मिलेगी इन्होंने शायद, मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने अपने जीवन काल में सोचा होगा। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।